हम परिवार के पास खुद डीजीपी साहब और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेश से गए थे। परिवार वालों से, सभी लोगों से माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि हम सीधे जाकर उनसे बातचीत करें। अत्यंत दुखद घटना है। परिवार के प्रत्येक सदस्य, उनके पिताजी, उनके भाई, छोटा भाई, उनके भाभी, उनकी बहन, उनकी माँ और जो भी सब घर परिवार में थे, एक एक से हम लोगों ने बात की है। हमने उन्हें आश्वस्त किया है कि जो भी दोषी होगा उसके विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई करेंगे, जो भी क्षमता में होगा कठोरतम कार्रवाई करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक एसआईटी का गठन किया है। एसआईटी में स्वयं हमारे विभाग के, गृह विभाग के सचिव श्री भगवान स्वरूप हैं, उसमें डीआईजी लेवल के ऑफिसर श्री चंद्रप्रकाश जी हैं, उसमें एक महिला अधिकारी कमांडेंट पीएसी आगरा की पूनम जी हैं। एसआईटी ने अपना काम शुरू कर दिया है और परिवार वालों के बयान कुछ हद तक ले लिए हैं। एसआईटी की पहली रिपोर्ट कल 4 बजे शाम को शासन में प्राप्त हुई। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कल ही शाम को ही 2 घंटे के अंदर तत्कालीन जो एसपी हैं, तत्कालीन जो सीओ थे, तत्कालीन जो इंस्पेक्टर थे, सीनियर सब इंस्पेक्टर, हेड मोहरर, इन सबको निलंबित करने का आदेश दिया और कल ही सभी अधिकारी और जो फील्ड के कर्मचारी थे उनको निलंबित किया गया है। एसआईटी की जांच चल रही है। एसआईटी जो है अपना काम कर रही है। एसआईटी अब अपना काम लगातार करेगी। परिवार वालों ने, परिवारजनों ने एक एक चीज अपनी जो नोट हमको कराई है, हमने उन्हें कहा है कि एसआईटी बैठकर जितना भी समय लगेगा, परिवार की तरफ से जो भी बिंदु आएंगे, जो भी उनकी शिकायत भी होगी या जो भी उनका बिंदु आएगा उसको एसआईटी नोट करेगा और एक एक चीज पर हम समाधान निकालने का प्रयास करेंगे। एक निर्णय ये भी लिया गया है डीआईजी साहब, हम लोगों ने संयुक्त रूप से, कि गांव में सुरक्षा की व्यवस्था स्थायी रूप से बनी रहेगी और उसकी व्यवस्था के लिए कमिश्नर और आईजी और सभी अधिकारियों को दिया गया है। इसके साथ साथ आज हम लोग माननीय जनप्रतिनिधियों से भी मिले हैं, हमने उनसे भी अनुरोध किया है कि सामाजिक सौहार्द पूरा बनाकर रखेंगे और सबका सहयोग लेंगे, हर व्यक्ति का सहयोग लेंगे। हाथरस के जिले के सभी जनप्रतिनिधि जो अवेलेबल थे मिले हैं हमसे। मैं पुनः ये कहना चाहूँगा कि जो एसआईटी है वो अपना पूरा काम करेगी और जहाँ भी जो भी बयान आएंगे उन पर आगे की कार्रवाई करते हुए जो भी दोषी होगा कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा ये भी हम बताना चाहेंगे, जो परिवार के बिंदु, जो आप बिंदु उठा रहे हैं वो ही कुछ बिंदु उसमें परिवार ने उठाए हैं, उन सभी बिंदुओं का एसआईटी अगले जल्दी ही कुछ ही दिनों में टेकअप करके एक एक बिंदुओं का निर्णय देकर शासन स्तर पर उस पर कार्रवाई। जो आपको क्रिमिनेशन हुआ है क्या सरकार की मर्जी से हुआ था या जिला प्रशासन की मर्जी से हुआ? ये संस्कार क्या सरकार के संज्ञान में नहीं था? ये मैं फिर बता दूं, एक एक चीज एसआईटी संज्ञान में परिवार की तरफ से लेगा और उसके सभी का निर्णय देगा।